हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NSP स्कॉलरशिप में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब पे और यहाँ पे टेलीग्राम पे कि उनका यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर दिखने को मिल रहा है जब वो OTR और पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि आप सबको पता है लास्ट डेट जो है यहाँ पे कुछ स्कीम की 31 अगस्त 2024 है, मतलब इस महीने की लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि उनका डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स ये जो दिख रहा है वो अपलोड करें या आप जो बता रहे हो इतने 4-5 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें। तो समझ में नहीं आ रहा कि किसी किसी का डॉक्यूमेंट नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, फॉर्म अप्लाई कर लिए लेकिन डॉक्यूमेंट के आगे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, ठीक है, या किसी किसी का एक या दो ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो क्या रीज़न है, इससे पहले तो जब होता था तब सबका सेम ही डॉक्यूमेंट देखने को मिलता था, सेम ही अपलोड करने का प्रोसेस रहता था, इस बार ऐसा क्या है कि सबका अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। पूरी वीडियो में बात करेंगे क्या है, क्या आपको करना है, कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप विथआउट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो आपके आगे जाके फॉर्म जो है दिक्कत आएगी और कहना के फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को धैर्य के साथ एंड तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, इससे उनको भी पता लगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। चलिए, तो यहाँ पे देखो नेशनल स्कॉलरशिप, आपको पता है कि अभी लास्ट डेट करीब है तो एक से एक सर्वर डाउन की प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आप सबको पता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स पूरे मांगे जा रहे हैं। अभी मैंने एक फॉर्म खोल के रखा है रिनोवल स्टूडेंट का, फ्रेश स्टूडेंट का, जो भी आप खोलेंगे व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका क्या क्या मांगा जा रहा है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कैन कॉपी 12 डिप्लोमा की मार्कशीट मांगी जा रही है, लास्ट एग्जाम जो पास किया वो मांगी जा रही है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले जो होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले आई वाले, ये आपको मैंडेटरी है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी का जब डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो हमें एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कभी कभार फॉर्म में ग्लिच होता है, आप अपना जो है कैच जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे 3 डॉट में तो यहाँ पे स्टोरी होती है, स्टोरी को यहाँ पे पूरा डिलीट करेंगे आप, ठीक है। कभी कभार कैच जम जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी टेक्निकल ग्लिच होती है, NSP की साइट में तरह तरह के अपडेशन होते रहते हैं, ठीक है। एक साथ काफ़ी से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो आप लोग जिसका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है या इसका भी एक आध डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो कुछ टाइम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अश्योर होना है कि सबसे पहले कि आपका एक या दो डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। जैसे कि इस स्कीम का एक बंदा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में जा रहा है, इसका एक ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF JPG 20 से 200 KB, ठीक है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको सिंपली चूज फाइल में जाके अपलोड कर देना है आपको, ठीक है। और आपको अब फाइनल सबमिट नहीं करना है। अब आप देखो 31 है लास्ट डेट, तो आपको 28-29 तारीख एक बार और फॉर्म खोल के देखना है, बीच बीच में एक आध दिन फॉर्म खोल के देखना क्या और डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, क्या लगे कि यार फॉर्म और डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे हैं आपका, 31 तक लास्ट डेट है आपकी, ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। इससे पहले फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, हालांकि जो डॉक्यूमेंट अभी आ रहे हैं उसको अपलोड कर दें, चाहे एक आध दो आ रहे, तीन आ रहे, ठीक है। किसी किसी स्कीम में डिपेंड कर रहा है, किसी में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, किसी में दो हो रहा है, किसी में तीन हो रहा है, किसी में चार हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार का देखने को मिल रहा है सीन, इस प्रकार का इस बार है। तो मैं ये कहूँगा सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, फाइनल सबमिट जो है लास्ट डेट से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले लास्ट सबमिट से पहले फाइनल सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। इससे पहले मत करो, इससे क्या हो सकता है एक आध डॉक्यूमेंट और भी अपलोड करना हो तो आप अपलोड कर सकोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें सबसे पहले। और दूसरी बात यहाँ पे कि जिनका इस प्रकार का क्रेडेंशियल एरर आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इसका मतलब ये कि जो OTR नंबर और पासवर्ड जिन्होंने दिया है, या तो उनका OTR सही से EKYC फेस ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो वो अभी आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका अभी क्रेडेंशियल नहीं आया है आगे से, ठीक है, NSP के सर्वर से वो जुड़ा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपका OTR और आपको देख लेना है पासवर्ड से लॉग इन करके कि आपका EKYC फेस ऑथेंटिकेशन डन है, यानी आपका यहाँ पे जो है बायोमेट्रिक के साथ लिंक है, यानी आधार कार्ड, क्योंकि NSP ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बताया भी है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये गाइडलाइंस आप पढ़ोगे NSP की, तो यहाँ बताया गया जिसका भी फेस ऑथेंटिक में दिक्कत आ रही है तो अपना बायोमेट्रिक चेक करें, बायोमेट्रिक को अपडेट करें, तो ये सारी चीज़ें कैसे करोगे, यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी जो क्रेडेंशियल की एरर सारी, EKYC फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ उसकी एरर है, तो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, जल्द से जल्द सॉल्यूशन कीजिएगा। दूसरी बात ये बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट जो है कल यहाँ पे रिलीज हो गई UGC की तरफ से, जो अपने फाइनल मेरिट लिस्ट जो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में जो वीडियोस मिलती है 3-4 वीडियो वहाँ पे भी आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे है
किसी किसी स्कीम में बोनेफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो बोनेफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये मैंने दे दिया है आपको। बोनेफाइड सर्टिफिकेट जिसमें मांगा जा रहा है, जिस स्कीम के अंडर मांगा जा रहा है, फोटो चिपका के सिंपली अपलोड करना है और सिग्नेचर कॉलेज स्कूल में जाके आपको सील सिग्नेचर लगाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसा कि यहाँ पे मांगा जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो बोनेफाइड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद किसी किसी में यहाँ मांगा जा रहा है ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। काफी सारे पूछ ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अगर आप ईशान उदय या मान लो कि प्रगति या किसी बड़ी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा। जहाँ बोनेफाइड लिखा हुआ है उसकी जगह ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ रहा होगा, उसके इधर इसके इधर लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में आपको यहाँ पे परफॉर्मा करके एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन आ जाएगा जो आपकी एनएसपी के आईडी से और आपके नंबर से लिंक हो रहेगा। इसको कॉलेज में जाना है, साइन सिग्नेचर सील लगाने के बाद आपको आके यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसका ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। और किसी का यहाँ पे मांगा जा रहा है कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मांगा जा रहा है एनेक्सचर 4 अंडरटेकिंग, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है किसी किसी का एनेक्सचर 4 अंडरटेकिंग। दो कहाँ से मिलेगा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सिंपली ये देखो, ये आपको मिल जाएगा एनेक्सचर 4। यहाँ पे आपको सिंपली ये देख सकते हैं एनेक्सचर 4 का, मैं एक सेकंड दिखाऊँ आपको कहाँ मिलेगा। ये देखो, ये मिल गया एनेक्सचर 4, एनेक्सचर 4 एफिडेविट आपको मिल जाएगा एनेक्सचर 4 का। और यहाँ पे सारी डिटेल जो है फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट सिग्नेचर नेम फुल एड्रेस लिख के आपको सिंपली आना है। और सील सिग्नेचर लगाने के बाद देखो क्या लिखना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ग्रेजुएटेड ऑफिसर जो भी है उनके सील सिग्नेचर लगाना, उसको ऑथोरिटी करके आपको सिंपली आना है। जिसका भी एनेक्सचर 4 मांगा जाए उसको अपलोड कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट दे दिया है, टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, ज्वाइनिंग का वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट आपका कहाँ से मिलेगा वो मैं बता दिया, बोनेफाइड और एफिडेविट और ये सारी चीज़ आपको क्या करना है पूरा सॉल्यूशन बता दिया। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। लास्ट डेट से पहले फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, लास्ट डेट से 3 या 4 दिन पहले फाइनल सबमिट कीजिएगा, जिससे अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो अपलोड कर सकोगे, क्योंकि अभी जो है ग्लिच यहाँ एनएसपी में आ रही है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दीजिए, कोई भी अगर चेंजेस होता है तो उसको आप